नमस्ते, मेरा नाम माधवी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने कंपनी ग्रीन प्रोटीन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसे हम 6 फ्रूट और 3 स्मूदी फ्लेवर्स में बनाते हैं। ये केवल मार्केट में एकमात्र प्रोटीन है जिसका लुक और फील एक जूस के जैसे है, उतना ही रिफ्रेशिंग और डाइजेस्ट करने में उतना ही आसान। नॉट ओनली दिस, अब अ सिंगल सर्विंग सैशे हम मार्केट में ₹79 में बेचते हैं, तो इसे ट्राई करना वॉलेट फ्रेंडली भी है। शार्क्स, हम ये स्टोरी चेंज करना चाहते हैं कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए बनाया गया है। जब आप थके हारे घर आते हैं तो क्यों ना कोई हानिकारक कोल्ड ड्रिंक की जगह आप ग्रीन प्रोटीन चूज करें। आज हम आपसे 60 लाख का इन्वेस्टमेंट 2% एक्विटी स्टेक के लिए मांग रहे हैं। आइए शार्क्स, अब प्रोटीन सबके लिए है। अनुपम, दिस डजंट टेस्ट लाइक प्रोटीन शेक, इट टेस्ट लाइक जूस। व्हिच कैन यू आप बताएंगे कौन सा? ये पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग फ्लेवर्स। इसमें इसका कलर क्यूमिन से आता है। इट्स अ नोन एंटीऑक्सीडेंट। वी ट्राई टू कीप कलर्स और फ्लेवर्स जितने हद तक नेचुरल रख सके। वाटरमेलन का कलर बीटरूट पाउडर से आता है एंड ब्लैक करंट हैज एंथोसियानिन व्हिच इज टेकन फ्रॉम पर्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें काफी शुगर भी है। ब्लैक करंट तो पूरी चीनी है यार। There's no added sugar. We do use 0.02 grams of sucralose, sirf plant protein ko thoda palatable banane ke liye. Sucralose is not good for you. Ye misconception hai. Actually, ek normal weighing aadmi ya aurat up to 50 grams of sucralose aasani se bina koi side effect digest kar sakta hai. और हमारा एक क्लेम है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए आपको शेकर, ब्लेंडर, मिक्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स सपोज्ड टू बी इजीली मिक्सेबल। आप क्या लेंगे? जी, बहुत इंटरेस्ट है तो इसलिए मुझे ये पाइनएप्पल वाला ट्राई करना है। मुझे ना ये शार्क टैंक की जगह जूस काउंटर वाली फील आ रही है यहां पे। अभी मेरे को ये चाहिए। अमन, अमन, अमन। अमन को तो पसंद नहीं आया। अगर सबने जूस पी लिया है तो हम शुरू करें। माधवी और सतीश, ये इफ आई कंपेयर इट टू एनी अदर प्रोटीन शेक दैट आई हैव टेस्टेड, ये बहुत ही डिलीशियस है। तो ये मास प्रोडक्ट है या ये मैं बोलता हूँ अमीरों के चोचले बोलता हूँ, वो जो होते हैं ना, जो ज्यादा 80 रुपए का अमीरों का चोचला नहीं हो सकता। 80 रुपए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। वेरी एक्सपेंसिव। आप अपने नंबर्स बताएंगे थोड़ा? ये अब तक 10 मंथ्स के ऑपरेशन में, ऑफ कोर्स उसमें 3 महीने कोविड था। इट्स 50 लाख अब तक का सेल। पिछले महीने आपने कितना किया? 12 लाख टोटल सेल्स इन नवंबर। उससे पिछले महीने? उससे पूछ रहे हैं 7 लाख। और ये आप जो बेचते हैं तो जब शॉप पे बेचते हैं आप कितना मार्जिन छोड़ते हैं? ये 79 रुपीज 80 रुपए का बिक रहा है। सो अगर मॉडर्न ट्रेड है तो 40% और अगर नॉर्मल जनरल ट्रेड, अगर छोटा सा दुकान है तो 25%, इसका अगर चेन है 7-8 स्टोर्स का तो वो 30%। तो आपको 50 रुपए के करीब पड़ेगा ये। आपकी सेल 45 से 50 की, उसमें आपकी कितने बनते हैं? उसमें मेरा ग्रॉस मार्जिन 66% है। तो आपको पर पैकेट कॉस्ट 15 रुपए पड़ रही है? 15 से 16 रुपए। यस। अच्छा माधवी, सतीश, आपकी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड जरा बताइए। आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। वाओ, वेल डन। गुड जॉब। यस, फॉर इट। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आई हैव अ 20-year-old डॉटर एंड दे आर ऑल लवली। अब स्किन केयर प्रोडक्ट सेल कीजिए। नहीं माधवी, यू शुड से ये मेरे प्रोटीन का कमाल है। मैंने लॉ 1-2 साल प्रैक्टिस किया। मुझे नहीं लगा कि ये करियर को मैं जस्टिस कर पा रही हूँ, तो मैंने कन्वीनियंटली एक ब्रेक ले लिया। और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ co-founders हैं। दिस केम अप ओवर कॉफी एंड कॉन्वर्सेशंस। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड परिग्ना है, शी इज लैक्टोज इनटॉलरेंट। मी टू। मेरे जो दूसरे co-founder है पराग, ही इज अ रनर बट ही कम्स फ्रॉम अ जैन हाउसहोल्ड। उनको प्रोटीन शेक पसंद नहीं थे, अंडे उनके घर में अलाउड नहीं थे, सो इट वॉज अ रियल प्रॉब्लम। तो आपने सोचा एक नए प्रोडक्ट की जरूरत है जो सबको भाए? एब्सोल्युटली। और सतीश जी, आप हमेशा इतना बोलते हैं,
क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बोलती है एक्चुअली. आपका रिलेशनशिप क्या है? वही पूछ. हम लोग हस्बैंड वाइफ है. ओके. तो आप को-फाउंडर नहीं है ग्रीन प्रोटीन में? नहीं. आपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया है? हम तीनों पार्टनर्स ने अभी तक 30 लाख ईच. 30 लाख तो 90 लाख रुपए लगा अभी तक. और आपका इक्वल पार्टनरशिप है? सर पेपर पे इक्वल नहीं है. और आप तो वकील हैं, आप तो पेपर पे ही चलेंगी. किसी ने मुझे बोला है कि आप वेंचर करोगे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपके नाम में मिनिमम शेयर होल्डिंग है. तो परिग्ना इज होल्डिंग माय शेयर्स फॉर मी. आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो और आप प्रेजेंट करने आज आ पाए हो, रीजन? जब झगड़ा होगा बिटवीन पराग, परिग्ना, माधवी, हु इज द फाइनल डिसीजन मेकर? इट इज मी. दे विल एक्सेप्ट? दे विल. बाकी दो लोग क्या करते हैं? परिग्ना हेयर स्टाइलिस्ट थी. पराग यूज्ड टू बी इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से कराते हो? ये मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करा, पर इंग्रेडिएंट्स सारे हम लोग सप्लाई करते हैं. वो फार्मूला की राइट्स किसके पास है? फार्मूला की राइट्स ग्रीन प्रोटीन के पास है. मेरा डिसीजन बन गया है. देखिए मैं इससे बाहर हूँ. मेरे को ना कहीं भूख कम लग रही है. समाओ ना मेरे को लग रहा है कि हर एक का कोई एक सेटल्ड लाइफ है. चल गया बढ़िया है, नहीं चला तो भी बढ़िया ही है, ठीक है. और मेरे को थोड़ी भूख होनी जरूरी है लोगों में, तो उस कारण से मैं आऊंगा.